हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज का क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस bx प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0 विल बी इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ b इज। तो हमें b की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स सेम हो, यानी कि इक्वल हो। तो इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस bx प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 9, b की वैल्यू तो माइनस बी और c की वैल्यू 81। तो इसमें बोला है अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 9 इंटू सी हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू 0। माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, माइनस 4 इंटू 9 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इंटू 81, ये स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 9 इंटू 81। बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इंटू 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट होगा, इनमें से एक 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक 3 इंटू 9। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18, 18 इंटू 3 54। बी की वैल्यू अगर 54 होगी तो मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।